अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? अच्छा, कुछ ज़रूरी बात है, मैं बता दूं। जैसे कि शकील भाई को जब मैंने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दिया था तो ये बार बार हमसे पूछ रहे थे कि इमरान भाई, ये तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा 2 साल का है लेकिन इस पर 2 महीना क्यों लिखा है? ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो उस टाइम मैंने इनको बताया था, इंडिया में थे ये, लेकिन फिर भी ये एक ही चीज़ रिपीट करते थे कि आप पे भरोसा करके आ रहे हैं। तो उसका मतलब यही था कि मेरे बताने के बावजूद भी इनको समझ में नहीं आया था। समझ में आया भी होगा तो शायद भरोसा नहीं होगा। ठीक है, देखो अभी होता क्या है, मैंने इनको बताया था कि जब यहाँ पे बंदा आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे ही, एम्प्लॉयमेंट वीज़े में 2 महीने का टाइम रहता है, 2 महीने के अंदर में उसका पहले मेडिकल होगा, मेडिकल की रिपोर्ट आएगी फिट, तो फिर फिंगर होगा। तो इनका मेडिकल परसों हुआ था ना? जी परसों हुआ था, कल मेडिकल की रिपोर्ट आई फिट है और आज ही इनका फिंगर हो गया। क्या फिंगर हो गया? फिंगर में क्या के लिया? फिंगर में पांचों उंगली लेते हैं। हाँ, और साइड से भी लेते हैं। अच्छा, साइड से और हाँ, पांचों उंगली पूरी हथेली। हथेली सही। ठीक, तो जब ये पूरा हाथ का स्कैन जब सिस्टम में जाएगा, ठीक है ना, तो फिर वो जाता है पूरा डेटा किस में? इमरेट्स आईडी के अंदर। इमरेट्स आईडी के अंदर जब वो सबमिट करेंगे उसके बाद स्टैंपिंग होगा, तो फिर वो ऑटोमेटिक सिस्टम में 2 साल का कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब तक ये काम नहीं होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही है लेकिन वो 2 साल सिस्टम में शो नहीं करेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये आखिरी काम था, आखिरी काम भी मैंने ख़त्म कर दिया, जो जिम्मेदारी मेरी थी मैंने पूरा कर दिया, मेरा और आपका साथ यहीं तक था, मैंने अपना काम क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आगे जो भी होगा वो आप और कंपनी डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर जेन्युइन कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ रीज़न हुआ तो मैं बात करूँगा। ठीक है, ठीक, फिलहाल मेरा काम खत्म। ठीक है सर जी,